हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का लेटेस्ट टॉपिक रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिकल का जो एग्जाम आपका होता है वो सबसे ज़्यादा अंक का होता है। 270 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल रहती है। उसके अंदर दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन आपको जो कि थ्योरेटिकल लिखना होता है, दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा जो कि प्रैक्टिकल आपको करना होता है। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका लगभग 30 नंबर से लेके 50 नंबर के बीच में आता है और काफ़ी इजी होता है, जिससे विद्यार्थी अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। दूसरा क्या है कि प्रैक्टिकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर थोड़ी सी अगर सावधानी रखते हो तो आप अच्छे जो अंक है प्राप्त कर सकते हो और अपनी ऑल ओवर सब्जेक्ट की जो मेरिट है वो आसानी से बढ़ा सकते हो। तो कैसे आपको करना है वो इस वीडियो में कंप्लीट प्रिय विद्यार्थियों आपको बताएंगे। इसके अनुसार ही अगर आप एग्जाम करते हो तो प्रैक्टिकल के एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह का प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको ये जॉब है देखने को मिलती है और जॉब का जो पहला जो क्वेश्चन होता है वो आपका 30 नंबर से लेकर 50 नंबर का आता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह दिया हुआ है। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टूल इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग पार्ट्स गिवन ऑफ द बिलो। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, इस जॉब को देखकर आपको, ड्राइंग को देखकर आपको इसके ऑपरेशन लिखने हैं, टूल लिखने हैं, इक्विपमेंट लिखने हैं, इंस्ट्रूमेंट लिखने हैं, जो कि काफ़ी इजी होते हैं और ये 30 से 50 नंबर के बीच में ये पहला क्वेश्चन आता है, जिससे आप आसानी से ले सकते हो और अपनी मेरिट है बढ़ा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिपेयर द जॉब एज पर ड्राइंग बिलो। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कि ये जो ड्राइंग दी हुई है इसी के अनुसार ये जॉब को आपको तैयार करना है अच्छी तरह। तो लेकिन सबसे पहले इस जॉब की ड्राइंग आप देख लीजिए, इसके जो साइज है वो क्या क्या दिए हुए हैं, किस तरह की जॉब है वो चीज़ आपको सोचनी है, ठीक है ना। तो इस तरह की जॉब आपने देखी होगी ज़रूर। और उसके बाद में जो पहला क्वेश्चन आपको जो लिखना हो तो उसके लिए जो टाइम बाउंड किया हुआ वो लगभग आपको 30 मिनट का समय मिलता है, ठीक है ना। तो इसकी तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जॉब बनाने के लिए आपको जो समय जो मिलेगा वो प्रिय विद्यार्थियों 8 घंटे का समय मिलता है, जिसमें 30 मिनट यानी आधा घंटे का जो समय है वो पहला क्वेश्चन जो आप करोगे उसके लिए दिया जाता है। तो उसके अंदर बिल्कुल आप अगर अच्छी प्रिपरेशन है, अगर तैयारी है, तो वो क्वेश्चन आप 20 मिनट में भी कर सकते हो जल्दी जल्दी। तो इसमें देख लीजिए भी कौन कौन से ऑपरेशन आपको करने हैं, कौन कौन सी ड्रिलिंग इसमें करनी है, एक्साइंग होगी या पंचिंग होगी, वो ऑल ओवर आपको सोच लेना है, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो आपको सीट के ऊपर पहले आपको लिखना है एम, ठीक है ना, और हिंदी में इसको बोलते हैं उद्देश्य है। पहला ये लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। तो इसी के अनुसार ये पूरा ऑल ओवर आप 35 नंबर का अगर क्वेश्चन दिया तो 35 के 35 नंबर भी अगर इस तरीके से लिखते हो तो ले सकते हो प्रिय विद्यार्थियों, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। तो देखिए एम मैंने लिखा वी ब्लॉक से फिटिंग प्रैक्टिस। तो देखिए इसमें वी ब्लॉक दिया हुआ था इसलिए मैंने इसका एम रख दिया है। अगर फिर भी अगर इस फिटिंग का अगर आपको मालूम नहीं है भी, क्योंकि अलग तरह की कोई फिटिंग आ जाती है, तो उसका एम आप लिख सकते हो फिटिंग प्रैक्टिस, ठीक है ना। यहाँ पे फिटिंग प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखिए इस तरह की टेबल आपको बनानी है जैसे यहाँ पे बनी हुई है, नीट क्लीन और साफ सुथरा आपको लिखना है, जो जो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको करना है, और ये आपको याद भी कर लेना भी इस तरीके से आपको ये टूल लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको इस टेबल में लिखना है सीरियल नंबर, ऑपरेशन और टूल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर एक पे देखेंगे मेजरिंग करना है आपको, ठीक है ना। मेजरिंग का मतलब क्या है, मापना, क्योंकि सबसे पहले हम अगर ये जॉब बनाएंगे तो दो पीस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या काम करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, माप लेंगे। तो पहला ऑप्शन मैंने क्या काम कर दिया है, एक नंबर पे मेजरिंग। मेजरिंग में क्या काम करेंगे, ट्राई स्क्वायर लेंगे 4 इंची, ठीक है ना। तो इसकी जगह आप एमएम भी यूज़ कर सकते हो, वर्नियर कैलिपर लिया है मैंने 10 इंच, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन लिखना बहुत ही ज़रूरी है। स्टील रूल लिया है मैंने 6 इंच, ठीक है ना, मेजरिंग हमने कर लिया है। उसके बाद में नंबर दो पे ऑप्शन दिया हुआ है क्लैंपिंग, ठीक है ना, क्योंकि जो पीस जो हमने काटे हुए हैं दोनों पीस, उसको पहले मैंने वाइस में क्लैंप किया हुआ है। तो पैरेलल जा पीजेबी का क्या मतलब लिख दिया मैंने शॉर्टकट में लिखा, आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। पैरेलल जा बेंच वाइस 5 इंची लिए, ट्राई स्क्वायर लिया है 4 इंची, स्टील रूल 6 इंच। अगर आपने ये एग्जाम में अगर यूज नहीं किया तो भी आपको इस पेपर में लिखना प्रिय विद्यार्थियों कंपल्सरी है, जितना ज़्यादा लिखोगे टूल उतने ही आपको अंक अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। क्लैंपिंग कर दिया है मैंने। उसके बाद 3 नंबर पे देखिए दिया हुआ है कटिंग, ठीक है ना। तो कटिंग करेंगे हम जॉब की, क्योंकि पीस तो काटना ही पड़ेगा, तो उसमें कटिंग में पहले जब बेंच वाइज हेक्सा ब्लेड्स कितने का, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भूल के 300 mm, ठीक है ना, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में 12 इंची लिख सकते हो,
उसके बाद है कूलेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद में नंबर फोर पे देखिए फाइलिंग, पीस कट चुके हैं, पीस कटने के बाद में हम क्या काम करेंगे, फाइलिंग ऑपरेशन करेंगे, ट्राई स्केल, ठीक है ना, 4 इंची पैरेलल जा बेंच वाइज, ठीक है, बास्टर्ड फाइल 12 इंची, सेकेंड कट फाइल, ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए चेकिंग, चेक करके देखेंगे बार बार भाई राइट एंगल हुआ है या नहीं है, ठीक है ना, ये स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सिक्वेंस ऑपरेशन दिया हुआ ना उसके अंदर, सिक्वेंस ये पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिक्वेंस ऑपरेशन लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए उसके बाद हम क्या काम करेंगे, चेक करेंगे ट्राई स्क्वायर से करेंगे, ठीक है, राइट 90 डिग्री है या नहीं है, वर्नियर कैलिपर से साइज चेक करेंगे भी जो साइज दिया हुआ है वो सही है या नहीं है, सटील रूल 6 इंची, ठीक है ना। उसके बाद में मार्किंग करेंगे, राइट एंगल हो चुका है, मार्किंग के लिए हमें क्या काम करेंगे, मार्किंग मीडिया लगाएंगे दोनों पीस के ऊपर, और फिर मार्किंग टेबल पे हम लेंगे, एंगल प्लेट यूज करेंगे और वर्नियर हाइट गेज का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका मार्किंग ऑपरेशन है। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे, ड्रॉइंग के अनुसार हम उस पीस के ऊपर क्या काम करेंगे, पंचिंग करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों क्या काम करेंगे, पंचिंग। तो डॉट पंच यूज किया 4 इंच का, एनविल 50 kg और हैमर 250 ग्राम का, यही 3 चीज यूज करते हैं। तो ये आपकी पंचिंग ऑपरेशन हमने कर लिया है। उसके बाद नंबर 8 पे देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ड्रिलिंग करना पड़ेगा क्योंकि अंदर का भाग है वो खाली करना पड़ेगा। तो ड्रिलिंग में देखिए ड्रिल मशीन यूज करेंगे और ड्रिल चक्की यूज करेंगे, ड्रिप यूज करेंगे, मशीन वाइज यूज करेंगे, मशीन हैंडल यूज करेंगे, ट्विस्ट ड्रिल 8 mm या 10 mm या 12 mm, अगर जो साइज दिया हुआ तो वो लिखना है, अदरवाइज साइज नहीं दिया हुआ तो अपनी मर्जी से लिख सकते हो। कूलेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्रिल होने के बाद में क्या काम करेंगे, एक्साइंग करेंगे। तो एक्साइंग में क्योंकि ये अंदर से खाली करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अंदर डाल के एक्से को फिर कटिंग करेंगे। तो एक्साइंग में क्या दिया हुआ, पैरेलल जॉब बेंच वाइज, एक्सा ब्लेड्स, ठीक है ना, 12 इंची और कूलेंट्स, इससे हम एक्साइंग करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, फाइलिंग ऑपरेशन, ठीक है ना, क्योंकि एक्साइंग के बाद क्या आता है, फाइलिंग। पैरेलल जॉब बेंच वाइज वास्टर्ड फाइल यूज करेंगे, 12 इंची स्क्वेयर फाइल करेंगे, 8 इंची हाफ राउंड फाइल, 6 इंची सेकेंड कट फाइल, 10 इंची ट्रेंगुलर जो फाइल है वो 6 इंची, और भी फाइल आपकी आवश्यकता के अनुसार अगर यूज नहीं करें तो भी आपको लिखना है, इसमें अच्छे मार्क्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद में प्रिय विद्यार्थियों क्या है, फिटिंग पे आ जाएंगे, ठीक है ना। फाइलिंग के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन चेकिंग का भी बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि फिटिंग के साथ साथ चेक भी तो करते हैं ना। तो चेकिंग ऑपरेशन के अंदर जो ये चीज़ें दी हुई है वो सेम आप यहाँ पे चेकिंग में डाल सकते हो। उसके बाद में देखिए फिटिंग करेंगे, तो इसमें वर्नियर कैलिपर की जरूरत पड़ेगी, स्मूथ फाइल की भी जरूरत पड़ेगी, हाफ राउंड फाइल 6 इंची, ठीक है ना, कोनों में फाइलिंग फूलिंग करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, और ट्रायंगुलर फाइल की भी जरूरत पड़ेगी। तो फिटिंग में ट्रायंगुलर फाइल भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये स्पेसिफिकेशन आपको याद रखना है, ये आप सेंटीमीटर में, इंच में भी लिख सकते हो और मिलीमीटर में भी लिख सकते हो और सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। और लास्ट हमारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे देखिए फिनिशिंग का। तो प्रिय विद्यार्थी फिटिंग होने के बाद पैरेलल जॉब बेंच वाइज वास्टर्ड फाइल 12 इंची और स्मूथ फाइल देखिए यहाँ पे दे दी गई है, क्योंकि स्मूथ फाइल से हम फिनिशिंग करेंगे, लेकिन करें हम वास्टर्ड से, लेकिन आपको ये लिखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में देखिए लास्ट हमारा ऑप्शन रहेगा नंबर पंचिंग, ठीक है ना। नंबर पंचिंग में देखिए नंबर पंच सेट आ जाएगा, हैमर 500 ग्राम, ठीक है ना, और उसके बाद है एनुअल 50 kg। तो ये नंबर पंच हमने कर दिया है। उसके बाद में क्लीनिंग भी ऑप्शन लास्ट लिख सकते हो, भी क्लीन किया है हल्का फुल्का, अगर कहीं भी चैम्फरिंग वगैरह है वो जो कर सकते हैं, बर वगैरह आई हुई है उसको हम क्लीनिंग बोलते हैं, तो क्लीन कर सकते हो। तो देखिए इस तरीके से अगर आप करते हो तो आपको पूरे के पूरे जो नंबर, जो 30 नंबर का है तो 30 के 30 ले सकते हो, अगर 40 का है तो 40 का ले सकते हो, 50 के हैं तो 50 के ले। उसके बाद मेथड का इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, अगर समय है तो इस तरह से आप लिख सकते हो। सर्वप्रथम हमने क्या किया, हमें 2 फ्लैट के पीस लेकर काट कर दोनों साइड राइट एंगल की थी, है ना। उसके बाद में क्या कि मार्किंग मीडिया लगाया था, उसके बाद में पंचिंग करी थी, उसके बाद में फालतू मटेरियल यानी एक्साइन करके अलग कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद में क्या काम किया हमने, फाइलिंग की, और फाइलिंग करने के बाद में चेक किया और दोनों पार्ट्सों को फिट कर दिया गया। तो ऐसे 2-4 लाइनें आप मान लो लिख सकते हो। उसके बाद सेफ्टी, प्रिय विद्यार्थियों मेथड ना लिखें लेकिन सेफ्टी लिखना जरूरी है, ठीक है ना। सेफ्टी कम से कम आपको 10 से 15 के बीच में आपको लिखनी है। तो इसमें पहली सेफ्टी क्या दी हुई है, ड्राइंग के अनुसार मटेरियल का चयन करना चाहिए, ठीक है ना। जो ये ड्राइंग दी हुई है इसके अनुसार ही मटेरियल का चयन, ये आप हर उसके अंदर लिख सकते हो। दूसरा देखिए टूलों को गिरने से बचाना चाहिए, ठीक है ना, ये भी जरूरी है। जॉब को टॉलरेंस में बनानी चाहिए, वृक्षों के अनुशासन का पालन करना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, ठीक है ना। एक्साइन करें जो कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए, फाइल पे अधिक दबाव नहीं देना चाहिए, फाइल को हैमर की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक्साइन अधिक स्पीड पे नहीं करनी चाहिए,
ठीक है ना, ड्राइंग के अनुसार टूलों का प्रयोग करना चाहिए। जॉब बनाने के बाद टूल है उनको साफ करके उचित स्थान पर रख देना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट को कटिंग टूलों से अलग रखना चाहिए। और काफ़ी सारी लिख सकते हो, यानी 10 से 15 के बीच में पीरियड आती है, सेफ्टी आपको लिखनी है। और ये जो मेथड मैंने बताया है इसी के अनुसार आपको इस जॉब का जो है ये कंप्लीट पहला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना। तो देखिए टॉलरेंस भी पीरियड विद्यार्थियों नीचे दी हुई है, 0.+-0.02 और ऑल डायमेंशन आर इन एमएम, सारी जो डायमेंशन है वो एमएम में दी हुई है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये इसके अंदर इंचज लिखा हुआ है, तो आपको ये डायमेंशन है इसकी जगह एमएम का प्रयोग करें तो और अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इसमें इंचज का किया हुआ लेकिन आप इसके अंदर क्योंकि ये डायमेंशन एमएम में दी हुई है ये गलत नहीं है, फिर भी ऐसे भी लिख सकते हो और एमएम में भी आप लिख सकते हो। तो कंप्लीट प्रिय विद्यार्थियों मैंने बता दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और 2-3 बार अभ्यास करिए क्योंकि आपका एग्जाम है वो नज़दीक है। फिर भी अगर इससे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हो तो प्रिय विद्यार्थियों कमेंट जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।